नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पास। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी बता दूं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप अगर रोलिंग मिल में काम किए होंगे तो आपको पता होगा, जब भी कोई न्यू मिल बैठाया जाता है तो आपका सारा मिल कैलकुलेशन पे रहता है, चाहे वो आपका मैकेनिकल का हो या इलेक्ट्रिकल का, सबका एक कैलकुलेशन रहता है। मैकेनिकल आपका फार्मूले पे सेट किया जाता है और इलेक्ट्रिकल आपका लॉजिक पे। तो दोस्तों जब भी रोलिंग मिल का इरेक्शन होता है तो सबसे पहले TMT का साइज डिसाइड होता है कि हमें मिनिमम साइज क्या चलाना है और मैक्सिमम साइज क्या चलाना है, उसके अकॉर्डिंग स्टैंड बैठाया जाता है। दोस्तों जो TMT का साइज होता है वो 5.5 mm से लेके 14 mm तक होता है। दोस्तों जो 5.5 mm, 6 mm ये दोनों आपका क्वाइल होता है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपका 8 mm से लेके 14 mm तक का हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों हम साइज बता देते हैं कि TMT का जो साइज होता है कितना कितना होता है। तो 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm और 40 mm होता है। दोस्तों जो हमारा TMT में स्टैंडर्ड साइज होता है वो आपका 8 mm होता है। दोस्तों 8 mm का बताऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग आप 14 mm तक का आप निकाल लेंगे कि कितने पास से होके हमारा ये TMT बनेगा। दोस्तों जैसे हमारा अगर 8 mm है तो उसके लिए रफिंग का कितना पास होना चाहिए, कंटिन्यूस स्टैंड का कितना पास होना चाहिए, ब्लॉक कितना होना चाहिए। तो अगर 8 mm आप अच्छे से समझ लिए तो आप आगे सबका ऐसे ही निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या लेंगे, बिलेट का साइज। तो फर्स्ट जो मेरा रहेगा वो बिलेट का साइज रहेगा। बिलेट का क्या रहेगा दोस्तों, साइज रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों बिलेट का साइज आप देख सकते हैं, जो ये CCM जो है आपका, जो CCM यहाँ पे दिख रहा है, CCM से जो ये बिलेट निकल के आ रहा है, इसका साइज क्या चल रहा है आपके वहाँ, सबसे पहले आप उसका साइज फाइंड करेंगे। तो हमारे वहाँ दोस्तों ये जो CCM देख रहे हैं, ये जो CCM से बिलेट निकल के आ रहा है 125x125 का बिलेट है, ठीक है, 125x125 mm का बिलेट है। दोस्तों जो बिलेट का क्रॉससेक्शनल एरिया होता है वो लगभग में सब जगह स्क्वायर में ही होता है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर में आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप स्क्वायर में देख रहे हैं, तो जो इसका इसका जो लेंथ है वो आपका 125 है और जो ब्रिथ है आपका जो है दोस्तों ये भी 125 है, ठीक है। जो हाइट है ये आपका पूरा हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट अब हाइट का इसमें ज़रूरत नहीं है, बस हम एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया का हमको इसमें नीड होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर का एरिया। तो ये जो मेरा बिलेट है ना, ये हमारा स्क्वायर में है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है दोस्तों, तो स्क्वायर का एरिया इक्वल टू होता है A×B। तो A×B यानी हमारा A ये लेंथ और ये ब्रीथ, यानी 125x125। इन जब दोनों का दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो वैल्यू आपका निकल के आएगा A×B का एरिया यानी बिलेट का एरिया इक्वल टू आपका आ जाएगा दोस्तों 15,625 mm। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये निकलने के बाद दोस्तों अब हम जो है TMT का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं 8 mm का बताऊँगा, आप जितना mm के निकालेंगे उसका आप एरिया निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं 8 mm का एरिया निकालूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे TMT जो मेरा सेकेंड पॉइंट वो है आपका TMT
साइज, यानी हम जो TMT साइज लेके चलेंगे उसका एरिया। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 8 mm का TMT का एरिया निकाल रहे हैं। तो दोस्तों जो TMT होता है आपका राउंड होता है, सर्कल शेप में होता है, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट होता है ना, पॉइंट से अगर हम सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लेके जाएंगे तो ये आपका जो वैल्यू होगा, ये जो आपका होगा ये R होगा, ठीक। एक और मैं यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ, ये आपका टोटल अगर हम सर्कमफेरेंस टू आपका सेंटर से जब क्रॉस करेंगे तो ये आपका हो जाता है दोस्तों डाया, यानी कि D। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो दोस्तों जो हमारा एरिया का फार्मूला होता है वो होता है दोस्तों, जो हमारे एरिया का फार्मूला होता है वो होता है, यानी कि सर्कल का एरिया इक्वल टू सी, सर्कल का एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एक और फार्मूला होता है वो होता है दोस्तों पाई बाई फोर डी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला से आप निकाल सकते हैं सर्कल का एरिया। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे डाया इक्वल टू हो जाएगा, डाया यानी कि d इक्वल टू 1r और 2r यानी कि 2r हो जाएगा, और r इक्वल टू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से, तो r इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों d बाई टू। तो अगर हम ये r का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो देख सकते हैं पाई, यहाँ पे अगर r का वैल्यू देख सकते हैं, जो हमारा r इक्वल टू d बाई टू है, तो r की जगह पे मैं रख रहा हूँ d बाई टू का स्क्वायर। तो यानी आपका जो ये सर्कल है, सर्कल का जो एरिया है वो आपका हम यहाँ पे प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि इतना कैसे होता है। तो यहाँ पे पाई और डी स्क्वायर बाई फोर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं या करके पाई बाई फोर डी स्क्वायर। तो आप इसको ले चले या इसको ले के चले, एरिया सेम ही निकलेगा। तो हम इसको ले के चल रहे हैं, इसको ले के चल रहे हैं इसको, तो चलिए हम लिख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए दोस्तों फार्मूला क्या है, पाई बाई फोर डी स्क्वायर। तो अब जो हमारा डी है, यानी जो हमारा डाया है 8 mm का, ये जो मेरा यहाँ पे 8 mm का जो सरिया है उसका टोटल डाया कितना हो रहा है दोस्तों, 8 mm, d इक्वल टू 8 mm, ये हमारा टोटल डाया कितना हो रहा है 8 mm। तो अब d के जगह पे हम क्या करेंगे, 8 mm लिख लेंगे। ये जो हमारा सर्कल के ऊपर वाला होता है वो हमारा होता है पाई, तो यहाँ पे वो वही पाई है, ये जो पाई आप यहाँ पे देख रहे थे वही पाई है, यानी कि पाई और ये 1r और 2r, ये दोनों मिलके r स्क्वायर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाया यहाँ लिख लेंगे। तो चलिए सर्कल का एरिया, यानी कि एरिया इक्वल टू पाई बाई फोर, डाया कितना है हमारा 8 mm का, 8 है ना, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, 8 का स्क्वायर। अब चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो पाई बाई फोर, अब 8 का जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू 64। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 0.785 आएगा इंटू 64। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका आएगा 50.24 mm। ये आपका 8 mm, ये जो है दोस्तों आपका 8 mm का एरिया निकल के आया है, 8 mm TMT का एरिया निकल के आया है। कोई दिक्कत? अब दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे बिलेट का एरिया निकाला तो इतना आया, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों TMT का एरिया निकाला तो इतना आया। बस इन दोनों को आप याद कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक बार और लिख लेता हूँ, जो आपका बिलेट का एरिया आया था, बिलेट का एरिया कितना था दोस्तों, आप पीछे देख सकते हैं वीडियो प्रीवियस करके, 15.625 mm, और आपका जो TMT का था
8 mm TMT का कितना था दोस्तों? 8 mm TMT का एरिया था आपका 50.24, ये आपका एरिया निकल के आ गया एरिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, बिलेट का एरिया, बिलेट का एरिया डिवाइड बाय TMT का एरिया, 8 mm TMT, 8 mm TMT का एरिया। इन दोनों को जब डिवाइड आप करेंगे ना, तो आपका जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, आप डिवाइड करिए, मैं भी डिवाइड कर रहा हूँ। इन दोनों का जो वैल्यू आएगा दोस्तों 311.00071, इतना आएगा। अब ये जो वैल्यू आया दोस्तों ना, इसको हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं लॉग ले रहा हूँ, लॉग, ये पॉइंट के बाद वाला मैं नहीं लूँगा, ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। 311 का जब आप लॉग लेंगे ना, मोबाइल में आप लॉग ले सकते हैं, मोबाइल में लॉग का रहता है पूरा कैलकुलेशन, वहाँ से आप लॉग ले सकते हैं। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं ये मैं लॉग लिया हूँ, तो ये जब लॉग लेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों 2.49 आएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये जो 2.49 आया ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2.49 लिख लेंगे और डिवाइड बाई, फिर से हम लॉग लेंगे कितना का, 1.29 का। ये दोस्तों फार्मूले में ये वाला जो वैल्यू है आपको याद करना पड़ेगा, ये फार्मूले में ये होता है, ठीक है, लॉग 1.29। ये सब में अप्लाई करेंगे आप, चाहे आप 10 mm का निकालें, चाहे आप 12 mm का निकालें, या ऊपर जितना का भी निकाल रहे हैं, उन सब में आप ये वाला चीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद ये जो वैल्यू आया ना, यहाँ तक आपका जो वैल्यू आएगा, यहाँ तक आने के बाद सब में ये वाला अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब इसका भी लॉग ले लेंगे, तो जब इसका लॉग लेंगे, इसको जैसे है मैं लिख लेता हूँ 49, और ये जो है इसका जब आप लॉग लेंगे तो 0.1105। अब जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 2.45, यानी कि 22 पास। ये पॉइंट के बाद वाला मैं नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे निगलेक्ट कर रहा हूँ। तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ पास 8 mm TMT साइज इज कितना दोस्तों, 22 प्लस माइनस में। यहाँ पे दोस्तों प्लस माइनस का मतलब, यानी कि जो हमारा 8 mm का TMT है, 8 mm का ये जो TMT है, हम 22 पास में इसको बना सकते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस हम 2 कर दे रहे हैं यहाँ, क्योंकि अगर आप 22 में 2 कम करेंगे, 2 प्लस करेंगे, तो ये आपका 24 पास हो जाएगा। 22 में अगर 2 हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों 20 आ जाएगा, यानी कि हम 24 पास में भी बना सकते हैं और 20 पास में भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया था वो 22 पास था, तो हम 22 पास में ही जनरली बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपने हिसाब से इसको 2 पास कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, मैं ऐसे ही रोलिंग मिल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।